हाय एवरीवन, हम लोग स्टार्ट करेंगे द करेला स्टोरी से, ट्रेलर से, ताकि मुझे थोड़ा इनसाइड मिल जाए कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द मूवी. क्या स्टोरी है, क्या ट्रेलर है, क्या व्हाट्स अ डील विद द मूवी, क्योंकि इट सीम्स लाइक अ वेरी हाई ग्रॉसिंग मूवी. बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और अदा शर्मा हैज़ बीन गोइंग वायरल बिकॉज ऑफ हर एक्टिंग इन द करेला स्टोरी. करेला मैं गलत प्रोनाउंस करी हूँ, बट इट्स नॉट, इट्स करेला, करेला स्टोरी. या ये क्या है मुझे कुछ अंदाजा है, मगर मैं गलत क्यों के कोट नहीं करना चाहती. तो मैं पहले ट्रेलर देखूंगी, हम ध्रुव राठी की वीडियो देखेंगे अबाउट दिस मूवी के क्या स्टोरी है. इससे पहले आप लोग जाओ गोट रिएक्शंस को सब्सक्राइब करो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. हिंदू from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब join किया? ये जानने के लिए क्यों join किया और कैसे join किया ये जानना जरूरी है. इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, only अल्लाह. ने करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो. तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो. आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है. हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस. आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट. क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है. शालिनी! फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा. हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा. एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है. जस्ट कम बैक, यू आर नॉट सेफ शालिनी, प्लीज कम बैक. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं. मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भाग कर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है. मैंने ट्रेलर देख लिया है. एलिजेडली करेला स्टेट में अबाउट 3600 गर्ल्स को कन्वर्ट किया गया था बाय फोर्स इस्लाम में. ये क्लेम करते हैं मूवी के राइटर्स और डायरेक्टर्स और जो भी बनाने वाले हैं, क्रिएटर्स ऑफ द मूवी. तो हम लोग ध्रुव राठी की वीडियो देखने वाले हैं और जानते हैं कि क्या है. उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस चीज़ों के बारे में बात करें. आप लोगों को गोट रिएक्शंस को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ये वीडियोस यहाँ पे नहीं डालना चाहती. यहाँ पे सिर्फ गानों को रिएक्ट करेंगे, हम डिफरेंट वीडियोस को गोट रिएक्शंस पे करेंगे. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाके उसको सब्सक्राइब करो. और हम लोग ध्रुव राठी की वीडियो देखने वाले हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे. Let's dive in. नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है. इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का और उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है. इस फिल्म के और फिल्म डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, आज के दिन सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है. क्या है इसके पीछे की असली कहानी और इस चीज में कितनी सच्चाई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में. केरला स्टोरी. मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है.
आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन कॉम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। मैंने सुना बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। इस टेक्निक के एडिशन में एक दूसरी प्रोपेगेंडा टेक्निक बताई थी हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स ने। गोबल्स ने कहा कि रेपिटेशन भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। इस बड़े झूठ को बार बार दोहराते रहो, इतनी बारी इस बड़े झूठ को दोहराओ कि लोगों को चार चार अलग अलग सोर्सेस से यही झूठ सुनने को मिले। ऐसा करने से लोग ब्रेन वॉश होते हैं। फिर एक तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की, बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी घोल। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग आज के दिन बिग लायर्स को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। जब कोई कहता है कि अरे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी ना बोलेगा, लोग कहते हैं भाई तुझे पता नहीं है कितना बड़ा फेकू है, ये इतनी लंबी इतनी दूर नीरज चोपड़ा का जैवलिन भी नहीं जाएगा। तो जो लोग इन बड़े झूठ से कन्विंस ना हो उनके लिए ये हाफ ट्रूथ। मैं क्यों बताने लग रहा हूँ आपको ये सारी प्रोपेगेंडा टेक्निक्स, क्योंकि आज आप इस वीडियो में देखोगे कि कैसे इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है लोगों को बहकाने के लिए। द केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि ये फिल्म कौन सी सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। इन्होंने कई चीजें कही यहाँ पर। पहला, इन्होंने कहा साल 2010 में केरला के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे ओमन चांडी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी केरला की असेंबली में। आप इस स्टेटमेंट को गूगल कर सकते हो और कुछ एक इंडिया टुडे की रिपोर्ट सामने आती है। 2500 औरतें, इस्लाम, केरला, ओमन चांडी, बात तो सही है। फिर कहा गया कि एक और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वीएस अच्युतानंदन ने एक समय पर कहा था कि केरला अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और आपको यूट्यूब या ट्विटर पे वीडियो दिखता है, आपको लगता है यार हो ये बात भी सही है। फिर फिल्म के टीजर में दिखाया जाता है एक लड़की कहती है कि मैं फातिमा हूं और मैं अफगानिस्तान की जेल में हूं। आप इस चीज को गूगल पे सर्च करते हो और द हिंदू का एक न्यूज आर्टिकल दिखता है फातिमा अफगानिस्तान की जेल इस्लामिक स्टेट, ये चीज भी सही है। यही सारी चीजें दोस्तों एक बढ़िया एग्जाम्पल है हाफ ट्रूथ का। ज्यादातर लोग ऊपर ऊपर से हेडलाइंस पढ़ लेते हैं लेकिन डिटेल में नहीं जाते। पहले आर्टिकल की बात करते हैं, साल 2012 का ये इंडिया टुडे का आर्टिकल। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया, 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेट में कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होने देंगे और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन टॉलरेट करेंगे लव जिहाद के नाम पर। क्या यहां पर कहीं भी मेंशन किया गया कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसिस को जाकर ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। दूसरी साइटेशन देखते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीएस अच्युतानंदन का इंटरव्यू। ये केरला के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2006 से लेकर 2011 के बीच में। जो वीडियो फैलाया जा रहा है उनका पुराने वाला, इसे सनशाइन पिक्चर्स ने अपलोड किया था, सेम कंपनी जिसने फिल्म बनाई है। सबसे पहली चीज तो इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ करी। जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं और जो सबटाइटल्स यहाँ लिखे जा रहे हैं वो सही नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पर वीएस अच्युतानंदन एक्चुअली में पीएफआई को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। यहाँ पर भी आईसिस का कोई मेंशन नहीं है। दूसरी चीज, स्टेटमेंट को दिए हुए 13 साल हो चुके हैं, केरला आज भी उतना ही सेफ सेक्युलर स्टेट है जितना 13 साल पहले था। अब अगले आर्टिकल को देखते हैं, जून 2021 का आर्टिकल। यह आर्टिकल बात करता है 4 केरला की औरतों के बारे में जो अपने हस्बैंड्स के साथ अफगानिस्तान गई इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस ज्वाइन करने 2016 से 18 के बीच में। इनके हस्बैंड्स अलग अलग हमलों में मारे गए। इनके नाम है निमिषा आलियास फातिमा ईसा, सोनिया सेबेस्टियन आलियास आयशा, मेरिन जेकब आलियास मरियम और रफीला। अगर हम एनआईए की 2016 की लिस्ट देखें ऑफ 20 मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट्स तो इन 4 औरतों के नाम यहाँ भी दिखते हैं। इनके अलावा 2 और औरतें हैं, अजमाला और शमासिया। इन दोनों के हस्बैंड्स कजन्स थे और इन 6 औरतों के हस्बैंड्स यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। इन 6 औरतों में से 3 ऑलरेडी मुस्लिम थी, 2 ने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में और 1 ने कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से इस्लाम में। तो सिर्फ एक ही औरत यहाँ पर ओरिजिनली हिंदू थी जिसका नाम था निमिषा नायर। क्या निमिषा नायर को यहाँ पर एक मुसलमान आदमी ने लव जिहाद के शिकार में फंसा दिया? इसका जवाब जानने के लिए हम देखते हैं निमिषा के हस्बैंड कौन है। ईजा, ईजा एक ऐसा बंदा है जो खुद क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट किया था इस्लाम में। उसका पुराना नाम था बेक्सन विंसेंट।
बेक्सन का भाई बेस्टिन भी कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में, और वो भी एक और इन चार में से एक और औरत का हस्बैंड था। तो दोनों भाई और उनकी दोनों बीवियां सारे कन्वर्ट्स, सारे ब्रेनवॉश्ड। हाल ही में इंडियन सरकार ने इन चार औरतों को वापस इंडिया आने से रिजेक्ट कर दिया था। इनमें से तीन के वीडियो इंटरव्यूज निमिषा, सोनिया सेबेस्टियन और रफीला के आप YouTube पर ऑनलाइन देख सकते हो, YouTube चैनल स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल पर। 2020 में इन्होंने इंटरव्यू दिया था और वहां आप असली में देख सकते हो कि औरतें दिखने में कैसी थी, बात करने में कैसी थी और कैसा इनका बिहेवियर था। Then there was a khilafa when I was a mormon, was happy that, so I can never say that khilafa is was wrong, but it was wrong that I can't say that because I had a comfortable life there. इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी देख सकता है कि औरतें अभी भी कितनी ब्रेनवॉश्ड और रेडिकलाइज्ड हैं। लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है, कॉन्स्टेंटली वो सिंपथी इवोक करने की कोशिश करती हैं। फिल्म में जितना बेचारा और इनोसेंट करके दिखाया गया है इन औरतों को, ये इनोसेंस असल जिंदगी के वीडियोज में शायद ही झलकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर सिंपथी होगी इन रियल लाइफ औरतों के लिए, या फिर आप इन्हें ब्रेनवॉश्ड बेवकूफ कहोगे? क्या आप चाहोगे कि अफगानिस्तान की जेल में ही पड़ी रहे, या फिर इंडियन सरकार इन्हें इंडिया में वापस लाए और इंडियन जेल में डाले? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं आपकी राय क्या है। स्ट्रैटेजिक न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट हमें बताती है कि NIA की 2016 की चार्जशीट में जिन 20 लोगों को मेंशन किया गया है, वो लोग एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड थे जब रेडिकलाइजेशन की बात करी जाती है। तो इनमें से 17 लोग सिर्फ एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट से आते थे, केरला में कासरगोड जिले से। 2020 की एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने बताया कि कुछ और ने बाद में ज्वाइन किया, तो टोटल 22 लोग एक्चुअली में कासरगोड से थे। 2016 का इंडिया टुडे का आर्टिकल बताता है कि एक ट्रेंड है कि सिर्फ सिंगल यूथ यहाँ नहीं जा रहे हैं ISIS ज्वाइन करने, बल्कि पूरे के पूरे परिवार यहाँ पर, हस्बैंड, वाइफ और इवन बच्चे भी चले गए ISIS ज्वाइन करने। आर्टिकल में यह भी मेंशन किया गया है कि इससे पहले ज्यादातर ISIS के रिक्रूट्स एक्चुअली में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से गए थे, केरला से नहीं। लेकिन ये स्टार्ट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट आगे की भी बात करती है। 2018 तक कहा गया कि करीब 60 इंडियंस ने अफगानिस्तान ट्रैवल किया, जिनमें से 26 मेल्स थे, 13 औरतें और 21 बच्चे। ये सब देखकर क्लियरली कहा जा सकता है कि एक प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पर, लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है ISIS ज्वाइन करने को। इंटरनेट के जरिए नए मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन अप हुए हैं। 2019 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने बताया कि इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि ISIS एक्चुअली में डार्क वेब और इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए और आतंकवादियों को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आखिर। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है केरला के अंदर अंदर। आइए इसके आंकड़े देखते हैं। व्लादिमीर वोरोनकोफ, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इन्होंने बताया कि 110 देशों से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में गए कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने। 40,110 देशों से। एक और एस्टिमेट दिया 2018 की स्टडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन किंग्स कॉलेज लंदन ने, 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से ISIS से एफिलिएटेड है, इनमें से 79% लोग आदमी है। इन दोनों रिपोर्ट्स के बेसिस पे एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है करीब 40 से 42,000 फॉरेन टेररिस्ट हैं जो दुनिया भर से ISIS को ज्वाइन करने गए। तो कितने इंडिया से हैं? अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने कंट्री रिपोर्ट्स पब्लिश करी साल 2020 में। इन्होंने कहा सितंबर 2020 तक NIA ने 34 टेररिज्म के केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे और करीब 160 लोगों को इंडिया में अरेस्ट किया था ISIS से रिलेटेड। डबल चेकिंग के लिए एक और सोर्स देख लेते हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक पेपर पब्लिश किया था अक्टूबर 2019 में। इन्होंने कहा कि प्रो ISIS केसेस 2014 और 2018 के बीच में इंडिया में थे करीब 180 से 200 के बीच। और ये 200 लोगों का जो अनुमान है यहाँ पर, इसमें सिर्फ वो लोग नहीं है जो एक्चुअली में ISIS के को ज्वाइन करने गए इंडिया छोड़कर, वो लोग भी हैं जिन्होंने ISIS का प्रोपेगेंडा फैलाया इंडिया में इंटरनेट पर। एक तीसरा सोर्स भी देख लेते हैं। 2019 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने कहा था ये नंबर 155 पर है। अगला सवाल ये कि ये तो ओवरऑल इंडिया के केसेस हुए, केरला में कितने केसेस हैं? तो ये जो 180-200 केसेस का नंबर है, इसमें से 40 केसेस केरला के बताए जाते हैं। तो 200 इंडिया में, 40 केरला में, लेकिन ये नंबर हमें ये नहीं बताता कि एक्चुअली में कितने लोग ISIS ज्वाइन करने गए थे, क्योंकि इसमें और ISIS अफिलिएटेड लोग भी हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग भी इंक्लूडेड हैं। एक्चुअली में कितने लोग गए ISIS को ज्वाइन करने इंडिया छोड़कर, US की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट ने बताया कि करीब 66 नॉन इंडियन ओरिजिन फाइटर्स थे
जो आईसिस से एफिलिएटेड थे एज ऑफ नवंबर 2020। सही सुना आपने, सिर्फ 66। 2018 की स्टैट न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट ने भी 60 का ही फिगर दिया था, तो ये नंबर उसके बड़े आसपास है। तो इस 60 के नंबर में से कितनी औरतें हैं? करीब 13 औरतें हैं। कितनी औरतें हैं जो केरला से हैं? सिर्फ 6 औरतें हैं जो केरला से हैं। इन 6 में से ऐसी कितनी औरतें हैं जिन्हें बाकी धर्मों से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया? 3 औरतें हैं। इन 3 में से 2 क्रिश्चियंस थी और 1 हिंदू थी। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है, और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। कुछ हजार नहीं तो चलो कुछ 100 औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं, सिर्फ 3 के साथ। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे यार 32,000 हो या 3 हो क्या फर्क पड़ता है, कहानी तो वही है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? कई प्रॉब्लम्स हैं। पहला तो ये कि अगर 32,000 की जगह 3 का नंबर इस्तेमाल किया जाता है तो फिल्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है। ये कहना कि यहाँ पर एक खुफिया लव जिहाद की कंस्पिरेसी चल रही है लड़कियों को फोर्सिबली कन्वर्ट करने की और उन्हें आईसिस भेजने की, और इस कंस्पिरेसी का नतीजा सिर्फ 3 औरतें निकली, तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल केसेस हैं, यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी नहीं हो रही है। दूसरा, इस लेवल तक जनरलाइज करना चीजों को और एग्जैजरेट करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। यही चीज अगर किसी और इंसिडेंट के साथ करी जाए तो आप कहोगे कि क्या बकवास है ये। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहां पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में। 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर। कैसा लगेगा आपको सुनकर? आप कहोगे ये क्या बकवास चल रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाला कहे कि यार 32,000 चलो एग्जैजरेटेड नंबर था लेकिन 3 के साथ असली में ऐसा हुआ है इसलिए फिल्म बनाना जस्टिफाइड है यहाँ पर, क्या होगा आपका रिस्पॉन्स ऐसे केस में? कोई सेंस है इस बात? इसी तरीके से दोस्तों 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। इस चीज को लेकर जब फिल्म के डायरेक्टर से सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई सोर्स क्या है आपके इस नंबर का, तो वो सवालों से भागते रहे। ऑल्ट न्यूज से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब मैं अपना डेटा बताऊंगा कि किस डेटा के आधार पर मैंने 32,000 बोला था। द क्विंट को इन्होंने कहा कि ऐसे सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वेरी क्लिशेड। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई JNU में तो इन्होंने कहा कि 32,000 वाला नंबर एक आर्बिट्री नंबर था, और जब बात कोर्ट में पहुंची तो इन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला नंबर ही हटा दिया और 3 नंबर डाल दिया। सच बात तो यह है दोस्तों कि इन 3 औरतों की ये कहानी भी सुनाने लायक है अगर ये कहानी सुनाई जाती बिना झूठ और प्रोपेगेंडा के। एक एक इंसान जिसे ब्रेन वॉश किया जाता है और रिक्रूट किया जाता है आईसिस में, वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इंडिया में एक्चुअली में, इसे आप बाकी देशों से कंपेयर करोगे तो बड़ी शॉकिंग चीज आपको जानने को मिलेगी। इंडिया में मैंने बताया था ये नंबर 66 के अराउंड है जो लोग आईसिस के प्रोपेगेंडा का शिकार बने। बाकी देशों से 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में 7,000 लोग ऐसे थे। सिर्फ रशिया से 2,500 लोग ऐसे थे। फ्रांस में 1,700 लोग, जर्मनी में 760 लोग, यूके का नंबर भी 700 के अराउंड था। ये जो सारे देश हैं, इन सारे देशों की पॉपुलेशन इंडिया से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन जो लोग आईसिस का शिकार बने वो इन देशों में कहीं ज्यादा है। और यहाँ पर यह चीज भी नोट करने वाली है कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया में, तो फ्रांस जर्मनी यूके जैसे देशों के कंपैरिजन में ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी कम आईसिस के रिक्रूट्स इंडिया से देखे गए। आप अगर यहाँ पर एक रेशियो देखो आईसिस रिक्रूट्स पर मिलियन पीपल, तो इंडिया में रेशियो 0.5 पर मिलियन है, फ्रांस में 36 गुना ज्यादा है यानी 18 पर मिलियन, बेल्जियम में 40 पर मिलियन है और जॉर्डन में 315 पर मिलियन। क्या इस चीज को एक बार भी मेंशन किया गया फिल्म में? कुछ लोगों को बहुत मजा आता है अपने ही देश के एक राज्य को ऐसे बदनाम होते हुए देखकर झूठ के बेसिस पर। ORF की रिपोर्ट में लिखा गया था कि एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि इंडिया से इतने कम मुसलमानों ने आईसिस क्यों ज्वाइन करी। इसके पीछे कई फैक्टर्स बताए जाते हैं। पहला कारण, इंडियन एजेंसीज का लाजवाब रिस्पॉन्स। आप में से बहुत कम लोग शायद ऑपरेशन पिजन के बारे में जानते होंगे। हमारी एजेंसीज जैसे कि NIA और IB, इन्होंने एक मिशन किया जिसमें 350 वल्नरेबल मलयाली यूथ को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम चलाया।
हमारे नौजवानों को इस एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन से बचाने के लिए। एक बहुत ही बढ़िया काम हमारे ऑफिसर्स के द्वारा किया गया, लेकिन पता है शर्म की बात क्या है, हमारे प्रधानमंत्री अपने इलेक्शन के भाषणों में इस अच्छे काम को बताने की जगह इस झूठी फिल्म को प्रमोट करते हैं। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। यहाँ पर एक और ऐतिहासिक ऑपरेशन याद आता है जो इंडियन फोर्सेस ने आईएसआईएस के खिलाफ किया था, एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसके ऊपर टाइगर जिंदा है फिल्म भी बनी है। इसकी कहानी अगर आप और जानना चाहते हैं कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां पर ढेर सारी ऑडियो बुक्स ऐसे सुनने को मिलेंगी। ध्रुव 30 कूपन का इस्तेमाल कीजिए कुकू एफएम के पहले महीने पर 30% ऑफ पाने के। टॉपिक पर वापस आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो इस इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में बता सकते थे लोगों को, लेकिन नहीं, झूठी फिल्म प्रमोट करनी थी। दूसरा कारण, फॉर्मर डिप्लोमेट तालमीज अहमद बताते हैं इंडिया का सिंक्रेटिक कल्चर और ट्रेडिशन, इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में मुस्लिम्स हिंदुओं और क्रिश्चियंस के साथ मिलजुल कर रहते हैं और इसीलिए एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज को उन्होंने रिजेक्ट किया। 2015 में जब पता चला कि सिर्फ 29 इंडियंस ने आईसिस को ज्वाइन किया था, एक रिपोर्ट ने बताया कि आईसिस खुद इंडियन रिक्रूट्स को इन्फीरियर मानता था। आईसिस का मानना था कि इंडिया में जो इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है वो काफी सॉफ्ट वर्जन है, एक ज्यादा लिबरल वर्जन है इस्लाम का। तीसरा, यहाँ पर कई मुस्लिम क्लेरिक्स का भी एक पॉजिटिव रोल बताया जाता है। मार्च 2009 में दारुल उलूम दियोबंद ने एक फतवा इशू किया था इंडिया को दार अल अमन डिक्लेयर करते हुए, एक ऐसा देश जहाँ पर मिलिटेंट जिहाद प्रोहिबिटेड है। सिमिलरली 2015 में एक जॉइंट फतवा इशू किया गया था 70,000 इंडियन मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा आईसिस, तालिबान, अलकायदा और बाकी और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ। यहाँ जो असली केरला स्टोरी है वो बड़ी प्राउड होने वाली बात है कि बाकी दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया से कितने कम मुसलमानों ने आईसिस को ज्वाइन किया। और केरला यहाँ पर एक बड़ा ही जीता जागता एग्जाम्पल है इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं पीसफुली। यही कारण है कि केरला नंबर 1 स्टेट है बहुत से अलग अलग इंडिकेटर्स में, एजुकेशन में नंबर 1, हेल्थ केयर में नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1। और फिर हमारे पॉलिटिशियंस इन झूठी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं केरला को बदनाम करने के लिए। फरवरी में इसी साल होम मिनिस्टर अमित शाह ने इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त कर्नाटका में कहा था, आपके बगल में ही केरल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। केरला को बदनाम करना इकलौता प्रोपेगेंडा नहीं है इस फिल्म के अंदर। दूसरा बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जाती है। क्या सच है इसके पीछे? साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, चाहे आदमी हो या औरत। एक सबूत से मन नहीं भरता, दूसरा सबूत देख लो। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भी यही कहा था साल 2020 में। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया रिटर्न रिप्लाई में कि अभी तक कोई भी लव जिहाद का केस रिपोर्ट नहीं किया गया है किसी भी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा। ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है अलग अलग एंगल्स से। पॉलिटिशियंस अपने भाषणों में ये कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलते हैं लव जिहाद की बात करते हुए, गोदी मीडिया खबरों में लव जिहाद की बात करता है। इतनी बारी रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, ये लव जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है बल्कि औरतों के भी खिलाफ जाता है ये कॉन्सेप्ट। खुद ही सोच कर देखो, जो लोग इस चीज में विश्वास करते हैं कि एक औरत को भड़काया जा सकता है एक आदमी के द्वारा, कैसे लोग है वो? औरत कोई भेड़ बकरी है क्या? एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता? कोई भी आकर कुछ भी कहेगा, औरत भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर चलती चली जाएंगी। चाहे हिंदू औरत हो, मुस्लिम औरत हो, क्रिश्चियन औरत हो या किसी भी और धर्म की औरत हो, सभी औरतों को मिलकर इन धर्म के ठेकेदारों को बताना चाहिए कि भाड़ में जाओ, हमारे पास अपना दिमाग है। अगर कोई जबरदस्ती मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं पुलिस के पास जा सकती हूँ। और कानून भी ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश भी करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि कितना लोगों को एक्चुअली में कन्वर्ट किया भी जा रहा है इंडिया में। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्रिश्चियन मिशनरी हुआ या ये घर वापसी वाले हो या कोई मुस्लिम क्लेरिक थोड़े ओवर एक्टिव हो जाते हैं अपने प्रवचन में और बैलेंस थोड़ा इधर से उधर हो जाता है। जैसे कि ये 2016 का न्यूज आर्टिकल देखिए जहां पर विश्व हिंदू परिषद के लीडर ने कहा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने 7.5 लाख लोगों को हिंदुइज्म में वापस रिकन्वर्ट किया 10 सालों के अंदर।
लेकिन ये अलग अलग धर्मों के ठेकेदार अगर इंटरफेयर ना करें, लोग अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना चाहे, तो एक बड़ा बैलेंस देखने को मिलता है। अप्रैल 2021 की रिपोर्ट देखिए, 506 लोगों ने रजिस्टर किया कि वो अपना धर्म बदलना चाहते हैं केरला सरकार के सामने। इनमें से 47% लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किए। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ ज्यादा कन्वर्जन देखने को मिल रही हूं। 2021 के प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे ने भी यही चीज बताई थी। 30,000 से ज्यादा लोगों पर सर्वे किया गया, पता लगा कि सिर्फ 0.7% लोगों ने हिंदुइज्म को छोड़ा था, दूसरा धर्म अपनाया था, और 0.8% लोगों ने बाकी धर्मों को छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज रची जा रही हैं ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक दूसरे से लड़ाया जा सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बहुत फायदा मिलता है अगर लोगों के अंदर सिर्फ ये नफरत भरी रहे दूसरे धर्म के लोगों के लिए। शुरुआत में सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स थे, फिर गोदी मीडिया ने ये काम करना शुरू किया और अब पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं लोगों को बहकाने के लिए। आज से 100 साल पहले हिटलर के समय में भी ऐसा ही होता था, बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी। ट्रायंफ ऑफ द विल, द ट्रेटर, रॉबर्ट एंड बेटराम, द इटर्नल ज्यू, ढेर सारी ऐसी फिल्में हैं जो अपनी मन मर्जी से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करती थी, ज्यूज को बदनाम करने का काम करती थी और जर्मन आर्यंस को ग्लोरीफाई करती थी। ऐसे ही बड़े बड़े झूठ उन फिल्मों में भी बोले जाते थे, रिपीट किए जाते थे ताकि लोगों को कन्विंस किया जा सके। ये लोग सिर्फ सत्ता और पैसे के लालच में आकर देश को अंदर से तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन नफरत के सौदागरों को एक चीज याद रखनी चाहिए, हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाए थोड़ा बहुत डर, वायलेंस और नफरत फैलाने में, लेकिन याद रखना ये देश भी ऐसा है जिसने बहुत चीजें सही है। जब जब ऐसी ताकतों ने देश को बांटने की कोशिश करी है, देश के लोगों ने इकट्ठे होकर बाउंस बैक किया है। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको इस टॉपिक पर फिल्म देखनी है तो नेटफ्लिक्स पर ये स्वीडिश टीवी सीरीज जाकर देखिए, द कैलिफेट नाम से। उस फिल्म में किसी को बदनाम नहीं किया गया है, कोई झूठ या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया गया है, बल्कि एक सच्ची कहानी बताई गई है कि कैसे स्वीडन में आइसिस ने रिक्रूट किया कुछ यंग लड़कियों को। एक बड़ा ही थ्रिलिंग शो है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी ध्रुव राठी की, कि क्या आप लड़कियां इतनी डम्ब हैं कि कोई इजीली किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर लेगा, ये सोचने की बात है। क्या इतना आसान होता है किसी को भी कन्वर्ट करना? आपका फेथ क्या इतना वीक होता है? और अगर वीक है और इजीली आप कन्वर्ट हो रहे हो तो फिर आपको क्या ही सिंपथी दी जाए। सेकेंडली, 100% चलो एग्री ना भी करूँ ध्रुव राठी के साथ कि ये प्रोपेगेंडा है। हम पाकिस्तान में भी इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से डरते हैं। मुझे याद है बचपन में मेरे अब्बा मुझे कुछ बता रहे थे कि एक मेडिकल की स्टूडेंट थी जिसको इस तरह से लोगों ने ब्रेन वॉश किया कि यार इस्लाम ऐसे होता है, मरने के बाद ये होता है, और वो टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा बन गई थी। एक मेडिकल स्टूडेंट, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की, लिबरल ख़ानदान की लड़की, टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा बन गई थी। ब्रेन वॉश होता है, मगर ये ब्रेन वॉश सिर्फ इस्लाम में नहीं होता। अगर आप बैठ के सोचो, चलो मेरी वीडियो कोई बहुत एक्सट्रीम तो हिंदू नहीं देख रहा होगा या मुसलमान नहीं देख रहा होगा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये नहीं मानते कि कुछ लोग हिंदुइज्म में इतने एक्सट्रीम लोग हैं जो कि मुसलमानों को देखते भी नहीं है, जो कि मुसलमानों से मिलते भी नहीं है, मुसलमानों को अगर वो उनके घर भी आ जाएं तो वो घर धोते हैं, वो उनको नापाक मानते हैं, उनको घिन आती है मुसलमानों से। क्या क्रिश्चियनिटी में कुछ इतने एक्सट्रीम क्रिश्चियंस नहीं हैं जो कि बाकी रिलीजियस लोगों को जहन्नवी मानते हैं, गंदे मानते हैं, बुरे मानते हैं? तो एक तो ये ट्रेंड हर रिलीजन में है, दूसरी बात कोई रिलीजन भी एक्सट्रीमिज्म प्रमोट नहीं करता। किसी भी रिलीजन का मकसद ये नहीं था कि वो एक्सट्रीमिस्ट बनाए। अगर आपने किसी भी रिलीजन का इंटरप्रिटेशन इस तरह का कर लिया है तो वो आपका मसला है। अगर आप किसी भी रिलीजन की इंटरप्रिटेशन ये निकालते हो कि यू नीड टू टेररराइज अदर रिलीजन्स, आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाओ, तो वो आपका दिमागी मसला है। कोई भी रिलीजन इट्सेल्फ ये सब प्रमोट नहीं करता। हम पाकिस्तानी हैं, हम लिबरल लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ मुसलमान हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। इसी तरह आप बहुत सारे हिंदूज को जानते हो जो कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, वो भी हिंदू ही हैं, और एक्सट्रीमिस्ट लोग भी हिंदू ही हैं। तो ये एक्सट्रीमिज़म को लेकर के एक रिलीजन को बदनाम नहीं करना चाहिए। आम जो मुसलमान हैं जो कि नॉन एक्सट्रीमिस्ट है, उसके लिए भी ये उतना ही थ्रेट है जितना ये हिंदू के लिए है। आइसिस,
हम भी नहीं जाना चाहते वॉर में, हमको भी नहीं लड़ना, हम नहीं मानते कि बाकी रिलीजन्स जहन्नम में जाएंगे और मुसलमान जन्नत, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। अब ये कि क्या कन्वर्जन हो रही है, मैं ये मानती हूँ कि कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो रही होगी, कुछ ग्रुप ऐसा है जो कि कन्वर्ट करता है बाकी रिलीजन्स को इस्लाम में और फिर उनको जिहाद का बोलता है। तो पहले तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो, कन्वर्ट हो मत। ठीक है, आईएसआईएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एक्सट्रीमिस्ट, उसके बराबर में कुछ ना कुछ बाकी रिलीजन्स में भी एक्सट्रीमिज्म चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तशद्दुद मुसलमानों के साथ भी हो ही रहा है, मुसलमानों को भी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों को भी लोग मार रहे हैं, आए दिन हेट क्राइम चल रहे होते हैं, कनाडा में मारा, अमेरिका में मारा, मस्जिद में जाके मारा। तो ये बैलेंस आउट हो जाता है, जैसे कि ध्रुव राठी ने बताया कि बहुत सारे मुसलमान भी हिंदू कन्वर्ट होते हैं एक्चुअली में, लेजिट। पाकिस्तान में बताया नहीं जाता क्योंकि लोगों को लगेगा यार ये कैसे कर लिया उसने। लोग क्रिश्चियन भी कन्वर्ट होते हैं, हिंदू क्रिश्चियन भी बनते हैं, क्रिश्चियन हिंदू भी बनते हैं, तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। कुछ लोग अपने बिजनेस की खातिर, अपनी पावर की खातिर चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं और आम पब्लिक को उल्लू बनाते हैं ताकि सेंटिमेंट्स के इस्तेमाल से वो पावर में आए, पैसे कमाए। जो बेवकूफ़ इंसान है ना, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो, समझदार इंसान का फ़ायदा उठाना मुश्किल है। अगर पॉलिटिशियंस रिलीजन के बारे में बात मत करें और आपको सेंटिमेंटल ना करें तो उनको वोट कौन डालेगा? आम पब्लिक को अकल आ जाए और वो कहे यार तूने किया क्या है कि मैं तुझे वोट दूँ, फिर तो उसकी सारी दुकान ही ठप हो जाती है पॉलिटिशियन की। तो पॉलिटिशियन आपको ऐसी बातें बोलेगा, हिंदुइज्म खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। जैसे कि तुमको एक मिसाल देती हूँ, पाकिस्तान में आजकल बड़ी न्यूज़ चलाई जा रही है कि अगर इमरान खान पावर में आता है तो इंडिया को फ़ायदा है इस बात से। अब ये नून वालों ने प्रोपेगंडा किया है ताकि हमारे ब्रेन्स कंट्रोल किए जाएँ कि हम लोग कहें नहीं यार इंडिया को फ़ायदा नहीं देना, हम लोग नून को सपोर्ट करो, पीटीआई के हक में है इंडिया। तो ये सिर्फ ब्रेन वॉशिंग हो रही है, ये सिर्फ मैनिपुलेशन हो रही है, ये सिर्फ सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों को इमोशनल फूल बनाया जाए और उनको बताया जाए इंडिया का क्या काम है हमारे मुल्क में, हम क्यों इंडिया को वो करें, हम लोग क्यों इंडिया से डरें। तो ये पॉलिटिशियन ऐसे हमेशा करते रहते हैं, रिलीजन की बेसिस पे, नेशनलिज्म की बेसिस पे इंडिया का नाम लेंगे, इंडियंस पाकिस्तान का नाम लेंगे, हेट बनाएंगे। और इस हेट में पॉलिटिशियंस का फ़ायदा है, बिजनेसेस का फ़ायदा है, हेट से लोग फ़ायदा उठाते हैं। हेट एक बहुत ही बड़ा टूल है बिजनेसमैन के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए स्पेशली। अगर पाकिस्तानीज इंडियंस को हेट करना बंद कर दें तो इधर दुकानें बंद हो जाएंगी, आर्मी का सारा रोल ही फेल हो जाएगा, उसको हम इतना बड़ा बजट ही नहीं देंगे।